Indians have 216 to 490 billion black money abroad, panel tells parliament. ये मनी जी 2018 में फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी कि विदेश में 216 बिलियन से 490 बिलियन के बीच का जो पैसा है डॉलर में हाँ 400 बिलियन डॉलर ये पैसा जरा इसका टाइम इसकी जो टाइमलाइन है मनीष जी वो बड़ी गजब की है ये टाइमलाइन उन्होंने दिया कि 1980 से 2010 ये दर्शक समझे ये हाँ मनीष जी दिखा दीजिए मैं थोड़ा पढ़ ही देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या था कि अनअकाउंटेड वेल्थ स्ट्रेस्ड अब्रॉड बाय इंडियंस इज एस्टिमेटेड टू बी इन रेंज ऑफ 216 बिलियन टू 490 बिलियन बिटवीन 1980 एंड 2010 यानी 1980 से 2010 30 साल का उन्होंने कालखंड दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो है ये एक अनुमान है इतना पैसा इस दौरान भारत से बाहर भेज के काले धन के रूप में बाहर भेज दिया गया और ये उन्होंने जो है संसद में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की उसको इन्होंने सौंपा था और जरा ये और उस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको स्वीकार करके बाकायदे संसद में प्रस्तुत किया था और दर्शक को एक और बता दूं मनीष जी जो बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि उस स्टैंडिंग कमेटी में था कौन कौन मतलब और जो लोग थे ही थे ये कांग्रेस के तरफ से जो थे उसमें मतलब हाँ वो मनमोहन सिंह था मनीष तिवारी था अंबिका सोनी थी और गौरव गोगोई ये लोग उस स्टैंडिंग कमेटी थे जिसको रिपोर्ट सौंपी गई थी और दूसरी चीज मनीष जी कि ये रिपोर्ट कोई भाजपा ने नहीं तैयार करवाई थी ये भी इसी रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ वो भी मैं पढ़े दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरा खेल था क्या कि इस कमेटी का गठन किया था 2011 में यूपीए सरकार मेरे ख्याल से तब प्रणव दा वित्त मंत्री थे तो उन्होंने गठन किया था कि ये जो तीन कमेटियां थी ये थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये तीन कंपनियों ने रिपोर्ट तैयार की थी और जरा आगे जो है कि दीज थ्री इंस्टीट्यूट्स वर आस्क्ड बाय द अर्स्टवाइल यूपीए गवर्नमेंट इन 2011 टू गिव एन एस्टीमेट ऑन द क्वांटम ऑफ ब्लैक मनी अब्रॉड एंड इन द कंट्री तो ये 2011 में यूपीए सरकार ने ये बनाया था इन तीन कंपनियों को दिया था ठेका क्या जिम्मा दिया था कि जाओ जरा पता करो भाई कि कितना पैसा विदेश में है और उन्होंने 2018 में जब अपनी रिपोर्ट दी तो ये आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया था कि 2216 बिलियन से 490 बिलियन डॉलर के बीच में पैसा 1980 से 2010 के बीच में भारत से बाहर भेजा गया और उसको स्वीकारा था मनमोहन सिंह मनीष तिवारी गौरव गोगोई अंबिका सोनी कमेटी ने और मगर मनीष जी इसमें और जो खास चीज है और जो सबसे खास चीज है कि 1980 से 2010 का जो कालखंड है उसमें 6 साल आप अटल जी के निकाल दीजिए बस 6 साल अटल जी के निकाल दीजिए क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह वाला बड़ा हुआ वो वाला रहा वहां तो सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी तो उस कालखंड में कुछ नहीं हुआ हाँ तो बाकी के 24 साल विश्वनाथ वाला मान लीजिए तो 30 में से 23 साल कांग्रेस का शासन था उस संयुक्त मोर्चा वाले शासन को आप अलग मत मानिए क्योंकि वो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी वो चल तो कांग्रेस के ही सहारे रही थी कांग्रेस के इशारे में रही थी और उसका जो उस संयुक्त मोर्चा वाली जो सरकार था उसका फाइनेंस मिनिस्टर तो पी चिदम्बरम ही था जिसने वीडीआईएस स्कीम लागू की थी तब वो तमिल मनीला कांग्रेस बना के अलग हो गया था कुछ और चक्कर में लेकिन था तो वो कांग्रेस ही यही चिदम्बरम उसका वित्त मंत्री था जिसमें उसने वीडीआईएस स्कीम लाई थी कि तुम अपना काला धन लाओ हम तुमसे नहीं पूछेंगे तुम कहां से लाए बस तुम लाके जमा करो 30% जमा करो बाकी का नंबर एक कर देंगे तो उसको मनीष जी मैंने उस जमाने में एक लेख भी लिखा था कि ये बहुत अब एक काम और करे चिदम्बरम कि बैंक में नहीं फाइनेंस कंपनियों में नहीं अब चिदम्बरम को रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में भी काउंटर खुलवा देने चाहिए वीडीआई स्कीम के कि उधर गृह कट जो है जेब काट के आए बताए मैंने 3,000 रुपये जेब काटी 30% पकड़ो 2100 रुपया मेरा नंबर एक का हो गया क्योंकि जब इसी पे आ गए हो तो ये शुरू कर दो रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सिनेमा हॉल सब जगह वीडीआईएस स्कीम का काउंटर खुलेगा कि जेब कतरा आए लुटेरा आए डकैत आए वो लूट के लाए उससे पूछा नहीं जाएगा उसका नंबर एक का वो पैसा
हो जाएगा। तो ये वो मोर्चा की सरकार में वही कांग्रेसी हाथ था। तो 30 साल में से 23 साल कांग्रेस के शासनकाल में 490 बिलियन डॉलर तक की अनुमान है ये पैसा नंबर दो का देश से बाहर गया था। लेकिन इसके बाद भी ये कांग्रेसी बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के गाली बकते हैं कि